बच्चों को योग के प्रति जागरूक कर उन्हें प्रेरित करने के लिए सतीश कुमार गुप्ता के तत्वाधान में रोहिणी सेक्टर 6 के छोटूराम पार्क में चल रहे 11वें ग्रीष्मकालीन योग शिविर का विधिवत समापन हुआ। शिविर के आयोजक सतीश गुप्ता ने हर आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन प्रातः 5:45 से 7:30 बजे तक कई तरह के योगासन का प्रशिक्षण दिया और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। समापन सिर्फ बच्चों के योग का हुआ है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, टाइमिंग्स की एडजस्टमेंट सही नहीं बैठती है, इसलिए मुझे समापन का नाम देना पड़ा। अदरवाइज तो योग निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मेरा योग या जो क्लास लगती है हमारी 12 महीने 30 दिन रेगुलर लगती रहती है। आप जब मर्जी आए, आपको योग की क्लास 5:45 से लेकर के 7:15 बजे तक गर्मियों में और 6 बजे से 7:30 बजे तक सर्दियों के अंदर लगी हुई मिला करेगी आपको। बच्चों के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन में देखा गया कि बच्चों के चेहरे भी कहीं ना कहीं कुछ मुरझाए हुए थे, ये गम था कि अब कल से जो है हमारे स्कूल खुल जाएंगे और क्लासेस जो योग। हाँ, ये बच्चों के अंदर हो सकता है कि भी अब हमारी क्लासें खुल जाएंगी, अब अगले साल ही मिलना होगा आपस में या सर की आवाज़ सुनने को मिलेगी। मुझे भी इस बात का मलाल रहेगा कि मैं बच्चों से अगले साल ही मिल पाऊंगा। योग शिविर में शामिल होने वाले बच्चों ने सूर्य नमस्कार समेत अन्य कई योगासनों का प्रदर्शन किया और साथ ही सभी को नियमित रूप से योगा करने के लिए भी प्रेरित किया। योगा 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 आओ मेरे दोस्तों, योगा सुबह को नहीं तो शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 समापन समारोह में बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए रिटाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल, अनिल राणा, गुरदीप दत्ता समेत कई प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कार दे सम्मानित किया और योग के प्रति रुचि बढ़ाने का कार्य किया। जो योग शिविर चला गया था उसका आखिरी दिन था, लेकिन यहाँ पर हर दिन योग की क्लास लगती है। ये था कि बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी साथ में ये लोग इनवाइट करते हैं, तो बच्चों का आज कल से एजुकेशन सेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्लास लगातार चलती रहेगी, बड़े व्यक्ति इसके अंदर योग करते रहते। क्या कि इन क्लासेस से बच्चों को किस तरह का प्रोत्साहन मिलता है योग के प्रति? बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है और बच्चे नशे से दूर रहते हैं, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जो हमेशा लोगों को जोड़ना सिखाता है और बुराइयों को दूर करना जानता है। मैं सबसे पहले तो आप सभी को और आए हुए जितने भी हमारे यहाँ पे छोटे बड़े बच्चे हैं सबको योग की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। योग से एक एक मैसेज सीधा सीधा है कि स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे तो अपने काम भी आप अच्छे से करेंगे। तो अच्छे काम करने के लिए हमें योग करना जरूरी है। योग करने से जैसे विधायक जी ने कहा कि नशे से दूर रहेंगे, बुरी आदतों से बच्चा दूर रहता है, अपने खान पान पर कंट्रोल करता है, उसका लाइफ स्टाइल बदल जाता है। इसके लिए मैं सतीश गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ कि छोटे बच्चों को जो ये योग की शिक्षा देते हैं, इससे हमारा वार्ड भी स्वस्थ होगा, हमारी विधानसभा भी स्वस्थ होगी, हमारी दिल्ली स्वस्थ होगी, पूरा भारत स्वस्थ होगा। इसमें 11 सालों से जो बच्चों में योग की अलग जगाई है सतीश जी ने, इसको लेकर क्या कुछ कहोगे? जैसे सतीश जी योगा क्लास के साथ साथ इतने सारे यहाँ के सेक्टर 5 और 6 के बुजुर्गो, बच्चे, महिलाएं सभी को जो ये शिविर लगा रहे हैं, तो देखा जाता है कि भाई इसी वजह से कारण है ये प्यार का वातावरण ये फैलाया जा रहा है। योगा के साथ साथ जो अन्य बीमारियां हैं जैसे कोरोना काल में देखा गया, तो योग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन में और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हंसी मजाक सुबह के टाइम हम मिलते हैं तो अच्छा वातावरण समाज में, अच्छा प्यार मोहब्बत का संदेश जाता है। बच्चों को योग के बारे में क्या संदेश देंगे जो इस समय योग के लिए नहीं आ रहे? देखो, योगा ऐसी चीज बन चुकी है जीवन में आपके तनाव के दूर करने के लिए, तो योगा एक महत्वपूर्ण चीज है। अब हर स्कूलों में, हर विश्वविद्यालयों में योगा को प्रथम स्थान दिया गया है कि अगर आपको योगा करना जरूरी है ताकि आप तनाव से दूर रहो।
हमारे विधायक जी, जो आपने अभी देखा इतना प्रोग्राम जो आयोजन था, संपन्न आयोजन जो था, ये सारा का सारा विधायक जी और अनिल राणा जी की सहयोग से संपन्न हुआ था। हम उनका भी दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे योग के माध्यम से।